हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन क्या करेंगे कि जो राजनीति विज्ञान का पेपर है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर मतलब 2022 का, आप यहां पे देख सकते हैं 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो बोर्ड का जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है क्लास ट्वेल्थ का, उस पेपर का अपन कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन। मैं आपको कंप्लीट ये पेपर का सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊंगा और आप ये जब प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को गति दे सको। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि जितने भी कंप्लीट इसके जो क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, सारे टाइप के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आइए करते हैं फटाफट से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपन देखेंगे। आप ये पूरा का पूरा पेपर अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और हमारे ऐप में हमने पहले ही जो भी जो पेपर्स हैं पुराने प्रीवियस ईयर्स के, वो सारे पेपर्स हमने अवेलेबल करा दिए। तो पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है उसमें आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले खंड अ से अपन इसका जो सॉल्यूशन है वो करते जाएंगे, कंप्लीट अपन प्रश्न वाइज करेंगे सॉल्यूशन एक एक करके। तो पहला प्रश्न यहां पे देखो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहां पे पहला लिखा हुआ है उत्तर अटलांटिक संधि की स्थापना कब हुई थी। आपको याद होगा उत्तर अटलांटिक संधि, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के नाम से जाना जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि नाटो की स्थापना जो है ना वो 1949 में हुई थी। 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका ने एक अपना एक सैनिक संगठन बनाया था सोवियत संघ के खिलाफ, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न जो है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो अपन जो है वो आप देख सकते हैं दोनों टाइप का जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, तो उसका उत्तराधिकारी किसे स्वीकार किया गया, क्योंकि उसके जितने भी अधिकार थे, पावर थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सारी शक्तियां फिर उसे प्राप्त हुई थी। जैसे कि मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थायी सदस्यता थी वो भी उसे प्राप्त हुई थी। तो चार ऑप्शन है, यूक्रेन, रूस, बेलारूस और लिथुआनिया। तो रूस इस प्रश्न का सही जवाब है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है गलत तीसरा, सात दलों का गठबंधन जिसे सेवन पार्टी अलायंस के नाम से जाना जाता है किस देश से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके पास में, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ, नेपाल में जो है ये गठबंधन हुआ था, सेवन पार्टी अलायंस, सात पार्टियों का गठबंधन जो है वो नेपाल में हुआ था। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन है चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो हम सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो उसके बाद में 24 अक्टूबर, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द, और इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना पांचवा प्रश्न है, प्रिय विद्यार्थियों अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, अगर और कोई प्रश्न आप करना चाहते हैं तो इस प्रश्न, इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप मुझे कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके उसका रिप्लाई भी दे सकूं, और आगे जो अगला जो भी वीडियो होगा उसको फिर थोड़ा सा अपन उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा जो भी सॉल्यूशन आपका इसका होगा। और यहां पर अपन देखेंगे नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया था। तो आप सबको पता है 11 सितंबर 2001 को किया था, और 11 सितंबर ऑप्शन है ऑप्शन अ, 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने अमेरिका में हमला किया था। अगला है छठवां प्रश्न है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आप देख सकते हैं, अर्जेंटीना है, चिली है, पेरू और ब्राजील है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ब्राजील, ब्राजील में हुआ था ये 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सातवां कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 1953 ऑप्शन ब, ऑप्शन ब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। पैटर्न जो है ना वो लास्ट ईयर का और इस साल का बिल्कुल सेम है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन पेपर आया है उसी के अकॉर्डिंग इस साल का जो प्रश्न पत्र आएगा। तो आप अपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से देख लीजिएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, और ये जो नेक्स्ट आठवां प्रश्न है उसमें लिखा है कि भारत में
पहले चुनाव आयुक्त कौन हुए थे, इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे भारत में पहले, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त जो है वो बनाए गए थे, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला है नौवां प्रश्न, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हुए थे, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से यहाँ पर आप देख सकते हैं एच एम दलाया है, वर्गीज कुरियन, एस जे पटेल, और तो राइट आंसर रहेगा वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दसवां, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी ने 1971 में जो पांचवें लोकसभा चुनाव आयोजित होने जा रहे थे, तो उस इलेक्शन से पहले इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ का नारा दिया था, और 1972 में फिर जो है वो पूर्ण रूप से इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी, इन्हें बहुमत प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्यारहवां, नामदेव ढसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को नामदेव ढसाल ने सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर कहा है। नामदेव ढसाल मराठी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, तो इन्होंने जो है वो अम्बेडकर साहब को ये कहा था। अगला प्रश्न है हमारा बारहवां, और यहाँ पे लिखा है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी, तो इस चुनाव में 313 415, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 415, कुल 415 सीटें लोकसभा की 415 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो इस तरीके से हमने ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए और आगे अपन करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 1962 में सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा में मिसाइलें, परमाणु मिसाइलें तैनात की थी, आपको पता होगा इसे क्यूबा संकट के नाम से जाना जाता है, तो उस समय सोवियत संघ के नेता थे वो थे निकिता खुश्चेव। ओके, निकिता खुश्चेव ने 1962 में, जो कि सोवियत संघ के नेता थे, इन्होंने अमेरिका के खिलाफ परमाणु मिसाइलें तैनात की थी क्यूबा में। अगला क्वेश्चन है दूसरा, रिक्त स्थान वाले हम कर रहे हैं कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, तो उसमें से एक का नाम था हिरोशिमा और दूसरे का नाम था नागासाकी, ठीक है ना। अमेरिका ने दूसरा जब विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में, तो अगस्त 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। अगला क्वेश्चन है तीसरा है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो भारत की जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था, तो राइट आंसर रहेगा इसका सिंधु जल संधि समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था, तो 1975 इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, 1975 में इसकी जो है वो इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान दिनांक और सन को अंगीकृत किया गया था, दिनांक लिखनी है, तो राइट आंसर रहेगा इसका 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को, है ना, 1949 को सबको याद होगा आप, तो ये 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, और उसके दो महीने बाद फिर भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, तो देखिए सेंटर में क्या था कि 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार थी, तो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने जो है वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, और मंडल आयोग आपको याद होगा ओबीसी जो कैटेगरी थी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको रिजर्वेशन देने से संबंधित थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन फोर। तो ये हमने रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी कर दिए, और अब अपन करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, बिल्कुल अति लघुतरात्मक भी करते हैं, मैं कंप्लीट इस जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियोस रहेंगे उसमें बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के जो आपके 2022 के, 2019 के, 20 के, 21 के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबका भी हम करेंगे सॉल्यूशन। और आपको बता दूं कि अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हो तो हमारी एवरीडे दो लाइव क्लासेज होती हैं, एक मॉर्निंग में होती है 6 बजे, दूसरी होती है शाम को 8 बजे, आप जरूर लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। इसके
अलावा अगर आप किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप मॉडल पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि आपका बोर्ड का जो पैटर्न होता है, तो इस बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट 10-10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। वो सारे के सारे मॉडल पेपर्स हम आपको कंप्लीट मॉडल पेपर्स आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके भी डायरेक्ट हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है वो भी वहां पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब अपन करेंगे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन देश शामिल थे। दो ग्रुप बने हुए थे आपको याद होगा, तो एक तरफ तो थे संयुक्त राज्य अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और सोवियत संघ, ये मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तरफ था सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1996 में भारत और बांग्लादेश ने फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के फरक्का जल संधि 1996 में किए थे हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। आपको याद होगा जो सुरक्षा परिषद है उसके 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद बदलते जाते हैं, और लेकिन जो स्थायी सदस्य होते हैं वो परमानेंट हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं आप याद रखेंगे, अबरू फचीन के नाम से अपन एक शॉर्ट फॉर्मूला इसका बना सकते हैं, अबरू फचीन। अबरू मतलब अ से अमेरिका हो जाएगा, ब से ब्रिटेन हो जाएगा, रूस से रूस हो जाएगा, अब रू फॉर मतलब फ्रांस और चीन मतलब चीन। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताइए। देखिए सुरक्षा की 2 धारणा, एक पारंपरिक धारणा और दूसरी है अपारंपरिक धारणा। अब अपारंपरिक धारणा जो है इसके 2 पक्ष बताने हैं। तो अपारंपरिक धारणा के 2 पक्षों में पहला पक्ष आप लिखेंगे विश्व सुरक्षा, है ना, ग्लोबल सिक्योरिटी, और दूसरा लिखेंगे मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी, या फिर मानवता की सुरक्षा। ठीक है, मानवता की रक्षा और विश्व सुरक्षा, तो ये इसके अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष हो गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जैविक हथियार संधि सर्वप्रथम कब हुई थी। बायोलॉजिकल कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, बी फॉर बायोलॉजिकल, डब्ल्यू फॉर वेपन्स, सी फॉर कन्वेंशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1972 में जो है ये बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है। तो मानवता की साझी विरासत को तो पहले तो उसे कहते हैं जिस पर संपूर्ण मनुष्य जाति का अधिकार हो, जिस पर सार्वजनिक रूप से सबका अधिकार हो, किसी एक जाति संप्रदाय धर्म देश का अधिकार नहीं हो, तो वो मानवता की साझी विरासत कहलाती है। और इसमें शामिल है आप देख सकते हैं अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है, बाहरी अंतरिक्ष है, ये जो है वो इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा था। तो भारत के जो पहले जो 3 आम चुनाव हुए थे उसमें जो है वो कांग्रेस पार्टी का, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी उसका, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा था। और चौथा जो चुनाव हुआ था 67 में उसमें फिर पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को इसमें पूर्ण बहुमत मिला था। अगला क्वेश्चन है 8वां, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ था। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी इसका विभाजन अंदरूनी कलह और मनमुटाव की वजह से इसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं। देखिए आपको याद होगा कि 1994 में यानी 1944 में बॉम्बे में कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर के भारत का एक नियोजित विकास को अपनाने के लिए योजना बनाई थी, एक प्लान उन्होंने जो है वो इंप्लीमेंट करने का एक सुझाव दिया था, उसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे सरकार को किन 2 परस्पर विरोधी राजनीतिक समूहों ने समर्थन दिया था। तो देखिए इसमें कई सारे राजनीतिक समूह थे, आप लिख सकते हैं जैसे एक तरफ लेफ्ट था, एक तरफ बीजेपी थी, तो ऐसी कुछ जो पार्टियां थी जिन्होंने जो बिल्कुल विपरीत या फिर विपरीत विचारधारा की पार्टियां थी, फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन दिया था।
नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आप लिखेंगे कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, बामसेफ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बामसेफ आपको याद होगा एक ऐसा संगठन था जो कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग थे उनको राजनीतिक और सरकारी नौकरियों में, सरकारी पदों पर और राजनीतिक पदों पर एक प्रकार से उनका प्रतिनिधित्व फिक्स करने के लिए इन्होंने एक यह संगठन बनाया था बामसेफ नाम से। ठीक है, तो ये हमने अभी तक किया है कंप्लीट, आपका जो खंड अ था उसको कंप्लीट किया, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किए, हमने रिक्त स्थान वाले किए और हमने अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी इसमें कर दिए। इसके बाद अब बचता है खंड ब, तो खंड ब का आप क्या करेंगे, अपन सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो कंप्लीट इसको अपन देखेंगे। खंड ब का भी मैं इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर करिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज सभी को ज्वाइन कर सकते हैं, इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रोजाना हमारी दो लाइव क्लासेस होती हैं, एक मॉर्निंग में होती है 6 बजे और दूसरी होती है इवनिंग में, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।